महाराज जी को भी देखेंगे हम सदन में। अरे अब तो साधु साधु आ रहे हैं, क्या पता मैं भी आ जाऊँ पीछे पीछे, है कि नहीं है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि ये इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी ये इन पर हम अच्छे विचारों को व्यक्त करें और इनसे। राजस्थान की आवाज भजन सम्राट श्री प्रकाश दास जी महाराज निवाई से, तो अभी राष्ट्रीय वीर तेजा समाज में कार्यक्रम बता रहे, इसलिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैसेज क्या देना चाहते हैं कार्यक्रम? आज बहुत ही आनंद आया और वीर तेजा जी महाराज का जो संकल्प था वो आज ये जाट को में एक लेकर के चली है और छत्तीस समाज को एक काम एक करने का काम कर रही है और हम ये समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा और देश बढ़ेगा तो हमारा भारत देश जो है विश्व गुरु के पद पर स्थापित होगा। अब विश्व गुरु बनने में कितनी कमी रहेगी, सारे भगवान राज तो होएगी। अब ये तो है कि पूरे देश में भगवा छाया है, राजस्थान में भजन लाल आया है, तो इसमें तो कोई कमी नहीं है। पर हाँ, अभी हमारी कई कुरीतियाँ है उसको मेटनी है और हमें समाज को आगे बढ़ाना है और देश में एक मिसाल बने हैं, जो हमारे आज सारे नेताओं ने भी कहा है कि हमारा जो जाट समाज है देश के बॉर्डर पर भी गोली खाने के लिए सबसे आगे रहता है और जमीन का सीना चीर करके और अनाज पैदा करने में भी सबसे आगे रहता है, तो जय जवान और जय किसान का नारा बनता है वो जाट समाज के लिए। हम सब ने सुना महाराज जी के बहुत से भजन थे जिनमें दो भजन थे बिनजारी और एक समय को भरोसा जिसको हम लोग, इसके लिए दो बापा बोल दीजिए। अब तो अभी 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 उन्होंने बोला था ना डोटासरा जी ने, मोर बोलगा, मोर कोई का ही बोल सके जो जो राष्ट्रनीति पे चलेगा और इस देश में जो गाय को पूजेगा और वो वंदे मातरम गाएगा वो इस देश में राज करेगा। पर अशोक गहलोत ने ज्यादा गायों के लिए दी, प्रकाश दास जी कह रहे थे चौमू में। हाँ, गहलोत साहब ने अच्छा काम किया, सरकारों ने सब अच्छा काम करती है, लेकिन अब भाजपा आई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी गायों के लिए अच्छा काम करे। महाराज जी को भी देखेंगे हम सदन में। अरे अब तो साधु साधु आ रहे हैं, क्या पता मैं भी आ जाऊँ पीछे पीछे, है कि नहीं है। धन्यवाद, ये अभी व्यक्त नहीं कर सकते। मेरे साथ मकराना के प्रधान साहब है सुमित्रा जी भी। सर पहले तो आप राष्ट्रीय तेजा संवाद कार्यक्रम बता रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य क्या, मैसेज क्या देना चाहते हैं? सर आज इस तेजा संवाद के माध्यम से हम जाट समाज इकट्ठे हुए हैं एक मंच पे बैठे, हमारे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है और हम लोग जो जाट समाज के इकट्ठा होकर हमने जो चिंतन मनन किया है समाज में जो कुरीति है उनको मिटाएंगे और सर्व समाज को हम साथ लेकर चलने का आज ये संकल्प लिया है और हमारे लिए आज इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन होना और आयोजन समिति द्वारा सभी समाज के लोगों को यहाँ राजस्थान लेवल पर बुला के सबका सम्मान करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और महिला शक्ति को भी इन्होंने सम्मान दिया है और मैं खुद कर्माबाई जाट महिला संस्था से हूं और एक नारी शक्ति के रूप में अभी मकराना पंचायत समिति प्रधान भी हूं और मकराना विधानसभा क्षेत्र से मैंने इस समय 2023 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है लेकिन किन्हीं कारणवश में कुछ कम वोटों से रह गई, लेकिन मेरे को जनता पर विश्वास है और जाट समाज पर विश्वास है कि मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम विजयश्री प्राप्त कराऊँगी और आज के इस तेजा समाज के अंदर हम सब भाई और हमारे बुजुर्ग हमारे सभी इकट्ठे हुए और हमें हर एक चिंतन का जो विषय रहा वो ये रहा कि समाज की जो कुरीति है उनको हम अपने खुद से सुधार लेके आएं और उस सुधार लाकर उसके अंदर हम नया जोश भर दें और मेरे जो नवयुवक भाई लोग यहाँ दूर दूर से आए हैं, जो नए नेता उभर कर आएंगे वो भी इन्हीं में से आएंगे और जो हमारा व्यवसायिक कार्य है उसे भी हम बहुत अच्छे से करते हुए बड़े का आशीर्वाद लेते हुए संस्कारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप एक बोली मैं कह देता हूँ कि जैसे पुरानी महिला है वो तो ठीक है, अभी नाज नए लोग तो ठीक है, पर घूंट प्रथा से आप जी बिल्कुल ये बात सही है कि मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही थी लेकिन जब मेरी शादी हुई 2011 में तो मेरे ससुराल पक्ष द्वारा ये एक ही बात कही गई थी कि मेरे दो बेटियां हैं और दो बहुएं और आ गई तो मेरे को चार बेटियां मिल गई और आज से आप हमारे साथ बेटियों की तरह ही रही है, तो मुझे वहां से हिम्मत मिली। मेरे ससुर जी श्रीराम जी भीचर साहब जो मकराना के पूर्व MLA भी रहे हैं उन्हीं से हिम्मत मिली है और मेरे हस्बैंड अजय जी भीचर जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं राजस्थान लेवल के, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि मैं हर क्षेत्र में आगे आऊँ, तो मैं एक नेता जब मैं राजनीति में आ गई नेता का नेतृत्व करने लग गई तो मुझे लगा कि ये भी एक समाज का मुद्दा है जिसे मैं घूंघट पर्दा को उठाऊँ क्योंकि ये घूंघट पर्दा है ये हमारी मुगल साम्राज्य की उस समय से चली गई है जब अच्छी लेडीज़ को देखकर मुगल के लोग थे वो उनको उठा लिया करते थे तो उस समय लड़कियां अपना मुंह छुपाती थी
तो ये प्रथा उस समय से चली आ रही है, तो अब मुगल भी नहीं तो हम उस प्रथा को क्यों लिए चले रहे हैं। इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और इसमें सुधार लाने के लिए मैंने खुद ने स्वयं ने आगे होकर ये बात कही है और मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। महिलाएं आजकल सोशल मीडिया आ गया, लोग ऐसे मान रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ा ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया थोड़ा जी सोशल मीडिया, बात सही है। फ़ोन का यूज़ जैसे उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है, वो उसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, बातें दोनों ही होती है, हर चीज़ का दो पक्ष होता है इस प्रकार से। तो ये उपयोगकर्ता पर है कि वो उसका सदुपयोग करे। और मैं अपने समाज के युवा प्रतिष्ठित भाइयों बहनों सबसे ये निवेदन करूँगी कि ये इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी ये इन पर हम अच्छे विचारों को व्यक्त करें और इनसे कुछ सीखें और अपने डेवलपमेंट में इसमें काम करें, बाकी इसका सदुपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।